हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जिट एग्जाम और करीब आते जा रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से उनका प्रिपरेशन भी करना है। हर दिन जीडीसी क्लासेस ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और जैसे कि जो भी टेस्ट होता है, हम अगले दिन उसके इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं पिछला टेस्ट क्या था, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, और इसमें टॉपिक था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। इनके क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको इस बैच से भी जाकर ज्वाइन होना है, जीडीसी क्लासेस आपको डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको बैचेस सेक्शन में जाना है, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, और वहां पर आपसे एक बैच कोड पूछा जाएगा। बैच कोड अप्लाई करेंगे DPEE, और जाकर आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। हर दिन आपको यहाँ पर रात के 9 बजे एक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द DTAB आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ से कुल मिलाकर कितने पर्सन नॉमिनेटेड होते हैं, इनमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स का नंबर आपको बताना है। देखिए, DTAB एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, जिसका काम है एडवाइस देने का, जिसका काम है कंसल्ट करने का, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करती है। कुल मिलाकर यहाँ पर 18 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और 8 यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके लिए यहाँ पर निकल जाएगा 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स। किसके द्वारा नॉमिनेशन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बॉडी ही इनको नॉमिनेट करती है। ध्यान रखना, 8 हो जाएंगे आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड। अब इनमें भी डिवीजन देखिए, 5 जो नॉमिनेटेड हैं, उनका नॉमिनेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें से 2 पर्सन होने चाहिए नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पर्सन क्या होना चाहिए, इंचार्ज होना चाहिए ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, किसी भी स्टेट के ड्रग कंट्रोल से ये इंचार्ज होने चाहिए उनके। 2 पर्सन यहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे, 1 पर्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और 2 पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट होने चाहिए। कुल मिलाकर इन 5ों की टीम बनती है नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन प्रिपरेशन ये किस शेड्यूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं, देखिएगा विटामिन प्रिपरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट 2 चीज में आते हैं, C and C1। ध्यान रखना, C and C1 इन दोनों में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन सेरा, एंटीटॉक्सिन, वैक्सीन या इंसुलिन, अगर इनकी बात करें, ये सभी बायोलॉजिकल है, लेकिन इन्हें किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, इन्हें पेरेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाले ड्रग्स आते हैं, आपके प्रोडक्ट आते हैं C1 में, और सी में क्या जाते हैं, इनमें भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन ये नॉन पेरेंट्रली एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, C और C1 में एक हो जाएगा पेरेंट्रल और दूसरा होता है नॉन पेरेंट्रल, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला देखते हैं, सेरा सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन्स, इन सभी का टेस्टिंग कहाँ पर होता है, इनका टेस्टिंग लेबोरेटरी आपको बताना है। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। जितने भी यहाँ पर आपके लेबोरेटरीज हैं, उनका रोल क्या है, उनका लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली या सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL के नाम से जानते हैं कोलकाता, या इंडियन फार्माकोफियल लेबोरेटरी गाजियाबाद। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए यहाँ पर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग कहाँ पर होता है, कसौली में, ध्यान रखना, और ये सभी, इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाद नगर, किन किन का यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, इन सभी चीजों को यहाँ पर रिमेम्बर करते रखना। अगला देखते हैं, द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी सेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कौन बनाती है इसे, द पार्लियामेंट बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये भी एक एडवाइजिंग बॉडी भी होती है, एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ये भी एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इन्हें रेडी करने का जिम्मेदारी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट मीन्स इसके अंदर जितने भी मेंबर्स रहेंगे, उनका इलेक्शन,
उनका नॉमिनेशन, इन सभी का काम रहेगा, किसका जिम्मेदारी रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही बॉडी इन्हें नॉमिनेट करती है। इनके अंदर के जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनका नॉमिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। अ ड्रग सैंपल इज टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर द एनालिसिस एंड इज सेंट टू, देखिएगा एक ड्रग इंस्पेक्टर है जिसे किसी मेडिकल शॉप पर या किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर इसे शक हुआ कि यहाँ पर जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ कमी है, तो उसके सैंपल वहां से चेक करने के लिए लेगा और उस सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो किसके पास भेजेगा, आपको ये बताना है। ड्रग कंट्रोलर के पास भेजेगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा, या गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, या पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। चलिए नाम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, फॉर द एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज किया जाएगा कि वो सैंपल, वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है नहीं किया गया है, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सैंपल लिया और सैंपल लेकर किसे भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट के, ताकि इससे उनका एनालिसिस किया जा सके, उनमें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा सके कि वो सही स्टैंडर्ड में बना है या नहीं बना है। अगर किसी तरीके का कोई गलती हमें मिलता है तो हम उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये थे कुछ 5 MCQs और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर दिन टेस्ट में मिलते रहेंगे। तो अगला टेस्ट आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, आज रात होने जा रहा है 3 जून को, फार्माकोग्नोसी। इनमें मैं टॉपिक्स की बात करता हूँ तो ब्रॉड आउटलाइन ऑफ एल्कोलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन एंड रेजिन, ठीक है, इनके इंट्रोडक्टरी पार्ट से आपको क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट से जरूर से जुड़कर रहिएगा, बैच कोड रिमेम्बर करना है DPEE। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट आज रात के टेस्ट के लिए, थैंक यू ऑल।